अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शबाज बलोच और आज स्कूल ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म से जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी ह्यूमन पावर सीरीज की फोर्थ पावर, और इस पावर का नाम है पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड उसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, हम उसको मैं अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैंने इस पावर से अपनी लाइफ में क्या चेंज किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट एंड पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मेरे नज़दीक पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट उस टाइम मैनेजमेंट का नाम है जिसके अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करें और उनको विद इन द टाइम हम अपने कंप्लीट कर सकें। इस तरीके से हम इसको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कह सकते हैं और सक्सेसफुल टास्क कह सकते हैं। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, जिसका ये एक चंक है, तो इफेक्टिवली मैनेजिंग द एक्टिविटीज विद इन द गिवन टाइम इज नोन एज द टाइम मैनेजमेंट एंड द पावर इज नोन एज द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब इससे मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्लाइंड होने के बाद मुझे टाइम का, टाइम की कदर का एहसास हो गया। वो कहते हैं ना, एक मशहूर कहावत है कि जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। और ब्लाइंड होने के बाद मुझे टाइम के गुजरने का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था, एक एक सेकंड मेरे लिए कीमती था। और मैंने इस पावर को रियलाइज किया और इसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। जब भी मैं कोई डिसीजन लेने जाता था पहले, तो मैं 20-20 घंटे सोचता रहता था। अब मैं टाइम को बॉक्स करता हूँ और वो डिसीजन वो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम में मैं 5 या 10 मिनट में ले लेता हूँ, ताकि टाइम को इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि टाइम इज़ शॉर्ट, लाइफ इज़ शॉर्ट एंड टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। अब ये चीज़ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपने लाइफ में कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई टास्क करना है, तो उसकी सक्सेस का इन्हिसार आपकी टाइम मैनेजमेंट पे है। अगर आप इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करेंगे, उसको टाइम को बॉक्स करेंगे, तमाम एक्टिविटीज़ को सुबह से लेकर शाम तक विद इन स्पेसिफाइड टाइम में करेंगे, तो यू विल बिकम द सक्सेसफुल सिटीजन, सक्सेसफुल रिसोर्स एंड सक्सेसफुल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और बीइंग अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड डू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हमारे जो लीडर थे, जिस तरह का काजाज़ो मोहम्मद अली जिन्ना, ही वॉज वेरी यू नो एफिशेंट इन टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट की वजह से आज हम इस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, मेरे नज़दीक टाइम मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर हैं, उसको आपने प्लान करना है और उसके बाद उसको डिफाइन करना है कि वो एक्टिविटीज़ हैं क्या। फिर उसके बाद आपने उसका सीक्वेंस बनाना है, एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, ताकि आपने जो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। फिर उसके बाद आपने उसको उसके बाद मॉनिटर करना है, और उसके बाद आपकी जो टास्क है या आपका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन द टाइम लिमिट्स। और दिस इज़ द फार्मूला फॉर सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट। व्यूअर्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, व्हाट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, और कौन से गोल्स आप अचीव कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। बेल आइकन पे दबाइएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस, और कमेंट कीजिएगा ज़रूर ताकि हमें पता चल सके, और इसके साथ साथ लाइक और डिसलाइक कीजिएगा ताकि हम फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट्स ला सकें फ्यूचर वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।